अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कार्बोनारा फूड्स में स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी होममेड बूंदी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि होममेड बूंदी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी सामग्री। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ बेसन, एक कटोरी चीनी, हाफ लेमन, जर्दे का रंग और थोड़ा एक कप पानी। हमने बेसन लिया था, अब हम उसको एक बाउल में डालेंगे और पानी की सहायता से उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर चुटकी भर जर्दे का रंग डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इस तरह से फेंट लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर आधा कटा हुआ नींबू डालूंगी। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम तब तक बूंदी बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, बूंदी का शेप कितने अच्छे से आ रहा है। फ्रेंड देखिए, एक कटोरी बेसन से इतनी सारी बूंदी तैयार है। आप इसे रायते वाली बूंदी बना सकते हैं विदाउट कलर। फ्रेंड, चाशनी अब तैयार है। नींबू इसलिए ऐड किया था क्योंकि चीनी के अंदर कोई भी गंदगी चीज होती है तो वो बाहर निकल के आ जाती है। चाशनी के अंदर बूंदी डालेंगे। टेस्टी बूंदी अब तैयार है। आपको पता है कि फेस्टिवल चल रहे हैं तो आप इसे तबरुक या प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।